लाली तो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और जिनके लिए न होंगे न होंगे, हमारे लिए तो आज भी मौजूद है। हमारे लिए मौला अली आज भी मौजूद हैं, हमारे लिए मौला रसूलुल्लाह आज भी मौजूद हैं, हमारे लिए रसूलुल्लाह जिंदा हैं। हम किसी मुर्दा रसूल का कलमा नहीं पढ़ते हैं। हम जब कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह तो हकीकत मुहम्मदिया आज भी जिंदा है। हम किसी मुर्दा रसूल का कलमा नहीं पढ़ते। जब हम नमाज में सलाम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो हम किसी मुर्दा को सलाम नहीं करते। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, हम किसी मुर्दा नबी को सलाम नहीं करते। असल मुर्दा को सलाम करने के क्या मानी होते हैं? कोई मानी नहीं होते। तो हुजूर भी जिंदा हैं हमारे लिए, मौला अली भी जिंदा हैं हमारे लिए, लेकिन जिन हजरात के नजदीक इस दुनिया से गुजर चुके, वो फरमाते हैं कि अब तो हजरत अली हैं दुनिया में, ना हजरत अली हैं ना कोई और है, इसलिए इस बहस की जरूरत क्या है? ये हमेशा आप हजरात इस बात को क्यों दोहराते रहते हैं, इस बात को क्यों दोहराते रहते हैं? भाई रसूल ने कहा था, ठीक है कहा था, अब तो मौला अली नहीं है, अब आप उनको हुकूमत नहीं दे सकते, अब आप उनको खिलाफत नहीं दे सकते, अब आप उनको इमामत नहीं दे सकते। उनका मुकदमा है, उनके मफरूज़े पे कायम है, मफरूज़े पे कायम है, हकीकत पे कायम नहीं है, मफरूज़े पे कायम है। ये सवाल है, जितना भी सजा के किया जाए, जिस जिस तरह से भी, जिन असालीब में किया जाए, जिन लफ्ज़ों में किया जाए, ये सवाल है। और कभी कभी हमारे जवान भी पूछ लेते हैं कि भाई हमारे मिंबरों पर सब कुछ बयान होता है लेकिन ये उंसुर ज़रूर होता है, ये रहेगा, ये जा नहीं सकता। दस्ते अदब जोड़ के बस एक जुमला कह रहा हूँ, आज बाब फ़ज़ाइल में आखिरी जुमला है, क्यों रहेगा? हुजूर ने क्या फरमाया था? मन कुंतु मौला, मैं जिसका आका हूं। ये बताओ कयामत तक कोई मुसलमान है जो रसूल को अपना आका ना माने? वाज़े है बात कयामत तक जो भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहेगा, वो रसूल को रसूल मान रहा है या नहीं? रसूल को हाकिम मान रहा है या नहीं? अगर आज दो मुसलमानों में इख्तिलाफ व निजा हो जाए, दो मुसलमान आपस में किसी मसले पर इख्तिलाफ कर लें, झगड़ा हो जाए, निजा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, कुरान क्या कहता है? अपने झगड़ों को ले जाओ अल्लाह के पास और अल्लाह के रसूल के पास। क्या यह हुक्म आज मंसूख हो चुका? अरे क्या यह हुक्म आज मंसूख हो चुका? मंसूख नहीं हुआ, यह हुक्म आज भी है, कयामत तक रहेगा। जब भी दो मुसलमान निजा करेंगे तो हाकिम कौन है असली और हकीकी? अल्लाह और रसूल। कयामत तक हर मुसलमान का हाकिम आका मौला सैयदो सरदार मुहम्मदुन रसूलुल्लाह है, और मुहम्मदुन रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं मन कुंतु मौला फहादा अलीयुन मौला। तो कयामत तक जो भी रसूल को आका मानेगा वो कयामत तक अली को आका मानेगा। अलवार पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद।